चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर अ नॉन स्फेरिकल कंडक्टर शोन इन द फिगर विच इज गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ऑन द सर्फेस सच दैट द चार्ज डेंसिटीज आर सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री। अच्छा, इन तीन जगहों पे, ठीक है, ऐसा है। तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, सबसे पहली बात पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। पोटेंशियल की वैल्यू होती है, देखो के क्यू अपॉन आर होती है, ठीक है, और एरिया चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर। अगर क्यू को फोर पाई आर स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो चार्जेस का जाना तभी रुकेगा, चार्जेस का जाना तभी रुकेगा जब हर जगह का पोटेंशियल सेम हो, यानी वन का टू का और थ्री का, तीनों जगह का पोटेंशियल सेम होना चाहिए तभी चार्जेस रुकेगा और डेंसिटी उसी हिसाब से वैरी करेगी। तो वो कैसे वैरी करेगी वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्यू की वैल्यू अगर यहां रखोगे तो v इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर कट गया। v इज इक्वल टू k की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया, सिग्मा इंटू फोर पाई आर, अब फोर पाई से फोर पाई कटा। v की वैल्यू आई कितनी, v की वैल्यू आ गई, अगर तुम ध्यान से देखो, सिग्मा इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, v की वैल्यू आ गई। अगर v तीनों जगह का सेम होगा तभी चार्जेस रेस्ट पे आएंगे, अदरवाइज जब तक डिस्ट्रीब्यूशन जब तक पोटेंशियल अलग अलग होगा चार्जेस मूव करते रहेंगे। तो इसका मतलब है चार्जेस तभी रुक सकते हैं जब हर जगह का पोटेंशियल सेम हो, यानी सिग्मा आर सिग्मा इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो जहां का पोटेंशियल, हर जगह का पोटेंशियल अगर सेम है तो इसका मतलब है सिग्मा इंटू आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल है इसके, एप्सिलॉन नॉट तो एक कॉन्स्टेंट है, नीचे एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। तो सिग्मा इंटू आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट तभी होगी, यानी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आर जहां ज्यादा होगा वहां पर सिग्मा कम होगा, आर जिसका ज्यादा होगा वहां का सिग्मा कम होगा। देखो रेडियस की बात करें, अगर मैं यहां के रेडियस की बात करूं तो ये एक छोटा सा स्फीयर बना रहा है, यहां पर ए पॉइंट पे स्फीयर थोड़ा बड़ा बन रहा है, मतलब इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दें, इसका स्फीयर थोड़ा सा और बड़ा बन रहा है, ठीक है, इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, जबकि ये थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पोर्शन है, ये एक स्ट्रेट पोर्शन है, तो इसका रेडियस, इसका स्फीयर जो बनेगा वो बहुत बड़ा होगा, इसका रेडियस बहुत बड़ा होगा, यानी थर्ड का रेडियस सबसे बड़ा, फर्स्ट का रेडियस उससे छोटा और सेकंड का रेडियस सबसे छोटा। तो इसी का रिवर्स कर दो, इसका मतलब है सिग्मा थ्री, यानी सिग्मा थ्री, थ्री पे डेंसिटी सबसे कम होगी, वन पे डेंसिटी उससे कम होगी, सॉरी उससे ज्यादा होगी, और सिग्मा टू यानी टू पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सिग्मा टू सबसे ज्यादा, सिग्मा वन उससे कम सबसे छोटा, सिग्मा थ्री सबसे छोटा, सिग्मा वन उसके बाद सिग्मा थ्री सबसे छोटा, डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। देखो सही है ना, देखो ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।